जैतपुरा थाना अंतर्गत ढिलवरिया में महिला की छत से गिरकर मौत के 15 दिन बाद परिजनों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसीपी कैंट को ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सपा की पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही गलत साबित हुआ है। मौन था, उसकी हत्या की कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी। उसके पति को धीरे से जब उस गिर के उसकी हत्या होती है, जब गिरा दिया जाता है उसको, उसका रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके पति को एक फोन आता है कि आइए आपकी पत्नी मरी हुई पड़ी है। जब उसके घर परिवार, उसकी दो छोटी बच्चियां, 10 साल की और 12 साल की दो बच्चियां हैं उसकी, वो दो बच्चियां जब रोते रोते वहां पहुंचती हैं तो तुरंत चौकी इंचार्ज ले जाते हैं उसको, वो बॉडी को, और फिर पोस्टमार्टम हाउस चला जाता है। उन लोगों को कोई पता नहीं चल पाता है कि इसकी हत्या कैसे हुई है, कैसे ये मरी है, कैसे इसकी मौत हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास गौड़ जी जब इस मामले को उठाते हैं, जब इन तक पता चलता है इनके समाज के लोगों से, तब ये जब इस मामले को उठाते हैं तब पुलिस और प्रशासन हरकत में आती है और उसके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में लगातार ये जो महिलाओं के ऊपर रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, ये कब रुकेंगी? कब ये स्मार्ट सिटी बनेगा? कब ये क्वेटो बनेगा? और कब महिला सुरक्षा का दावा करने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कब महिलाओं को न्याय दिला पाएगी? चौबीपुर थाना क्षेत्र के उमराहा स्थित सर्वेद महामंदिर में सोमवार देर शाम करंट की चपेट में आने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई थी। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय वो मंदिर में वायरिंग का काम कर रहा था। आनन फानन में उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के चोटी खजूरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के कांवरिया आरक्षित लेन पर ओवरब्रिज के ऊपर बुलेट की चपेट में आने से कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। वो प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी की तरफ जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची मिर्जा मुराद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के मद्देनजर समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्रों ने सरकार से अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीमा पे भ्रष्टाचार है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो घटना हुई है हृदय विदारक घटना, ये पूर्ण रूप से सरकार के होशो आवास में हुई है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनओसी जो दिया जाता है वो पूरा जांच करके दिया जाता है। ये कौन सी संस्थान को, कोचिंग संस्थान को एनओसी दिया गया है, सरकार की इसमें मिली भगत है। और मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि जो इसमें शहीद हुए हैं, जो मरे हैं लोग, उनको 50 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ये बात मैं सबसे युवाओं से और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आइए सदन का घेराव करें और एक सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करें। धन्यवाद। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी के बाद यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को भी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण मंदिर और घाट भी डूब रहे हैं। वाराणसी के सभी 84 घाटों का संपर्क मार्ग लगभग टूट गया है। वहीं घाट किनारे कई मंदिर भी डूब गए हैं। अभी भी गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। शुभम जी, घाट पर आप लोग पुरोहित गिरी पंडागिरी करते हैं, जजमान आते हैं, उनको पूजा पाठ कराते हैं, गर्मी के बाद अब बाढ़, क्या स्थिति? देखिए, अभी तक तो गर्मी हो रहा था, उमस अभी भी हो रही है और बारिश भी अधिक नहीं हुई है और ऊपर से बाढ़ भी आ चुका है। माँ गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। पहले भी बाहरी लोग अधिक नहीं आते थे, पर्यटक लोग कम हो चुके थे। गर्मी की वजह से अब बाढ़ आ गई तो और भी अधिक पर्यटक लोग कम आएंगे और वो लोग घूम भी नहीं पाएंगे और जनसंख्या जो है बहुत कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से रोजगार में बहुत ज़्यादा ही गिरावट आ रही है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के शपथ ग्रहण के काशीवासी भी साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य काशी को याद करना नहीं भूले। समारोह के दौरान हर हर महादेव का उद्घोष भी हुआ। राज्यपाल ने भी काशी से पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान काशीवासियों का कुशल क्षेम पूछा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ एवं रामनगर स्थित माँ मनसा देवी का ध्यान किया। अतिक्रमण को लेकर वाराणसी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। मंगलवार को नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम चेतगंज थाने की पुलिस के साथ
मलदिया के लोहा मंडी में धमकी। प्रवर्तन दल व पुलिस टीम को देख व्यापारियों व दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दुकानदारों ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकानदारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कंचनपुर अवधपुरी इलाके में केंद्रीय विद्यालय के पीछे की सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बारिश के दौरान सड़क तालाब बन गई थी, इससे लोगों के लिए आवागमन में दुश्वारियां बढ़ गई थी। पिछले कई साल से परेशानी झेल रहे कॉलोनी वासी की समस्या को लाइव यूनिट ने प्रमुखता के साथ खबर चलाई थी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। इस पहल के लिए लोगों ने लाइव यूनिट को सराहा। अब जाकर के वो क्या कहते हैं, यहाँ के लोग जागे कि क्या कहते हैं, नहीं मुझे ये कराना चाहिए। अभी तक पूरा जितने लोग थे सब सो रहे थे, आयुक्त से भी बात हुआ था, सबसे कहा गया था और क्या कहते हैं, और यहाँ तो बहुत इतनी दुर्दशा है कि आप लोग न रहें तो यहाँ ये सब काम न हो पाए, बस ये जान लीजिए। अब फिर से मैं लाइव यूनिट का धन्यवाद करता हूँ कि क्या कहते हैं, जो इस तरह का काम मतलब हो गया, जल्दी हो गया। और कविता जी का भी धन्यवाद करते हैं, वो भी मतलब आपसे चैनल से जुड़ी हुई हैं, वही हमारे संपर्क में थी, उनसे कहने पे अच्छा वो BLW का वहां तक मार्ग है, मगर कुछ नहीं। काशी के कोतवाल श्री श्री 1008 बाबा काल भैरव नाथ जी का वार्षिक हिम श्रृंगार की झांकी मंगलवार को भव्य रूप से सजाई गई। देर रात तक भक्तों ने बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई और जीवन मंगल की कामना की। बाबा के हिम श्रृंगार में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी रही। कतारबद्ध होकर भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। वाराणसी में विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ छापेमारी शुरू की। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर के नक्शे में खामियां व पार्किंग नहीं होने पर शहर के 10 कोचिंग सेंटर के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा शहर में 2 कोचिंग जहां बेसमेंट में क्लासरूम चल रही थी, उसे तत्काल सील किया गया। उस बिल्डिंग की वैधता की जाँच की जाए कि उसका मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं, प्रॉपर वे में वो पर्याप्त रूप से चला रहे हैं कि नहीं, उसी की जाँच चल रही है। क्या कोई लिस्ट लेकर के निकली है टीम? नहीं, अभी तो हम ऐसे ही औचक खास करके मुख्य मार्गों पर जहां भी कोचिंग चलते हुए बोर्ड लगे हुए पाए जा रहे हैं उस पे अचानक पहुंचे। छात्रों की जो कोचिंग क्लासेस चलती है वो बहुत सारे कोचिंग है यहां पे, और कई मानक होते हैं आपदा और इस तरह के परिस्थितियों में बच्चों के निकलने की, क्या सभी बिल्डिंग की करेंगे या केवल बेसमेंट की करेंगे? नहीं, हम पूरे बताया तो आपको कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है प्रथम दृष्टया हम उस बिल्डिंग की जाँच कर रहे हैं जिसमें कोचिंग चलाई जा रही है। सर अब तक कितने कोचिंग पे कार्रवाई की? जी बगल में दिल्ली कोचिंग पे कार्रवाई किया गया? नहीं, कार्रवाई नहीं, अभी हमने चेक किया है 2 कोचिंग महमूरगंज में, फिट जी और कैट जी कोचिंग जिस बिल्डिंग में चल रही है उनको हमने अभी चेक किया है, आज ही शुरू किया है। तीसरे स्थान पे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ बेसमेंट में कोचिंग का संचालन पाया जा रहा है, जिसे बंद कराना ठीक कराना कार्रवाई।